हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर का दूसरा हफ्ता लगभग समाप्ति की ओर है और आज मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ और कुछ व्यूवर फ्रेंड्स की कुछ शंकाएँ थी उनका भी थोड़ा सा निवारण करना चाहूँगी। तो ये देखिए, सुंदर सुंदर कनेर के फूल खिले हुए हैं और इसमें और बर्ड्स भी आई हुई हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आजकल देख रही हूँ कि हमारे तुलसी में काफ़ी पत्तियाँ गिर रही हैं, ये मैंने कल ही कलेक्ट की हैं। तो ये स्वाभाविक है, थोड़ी जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हमारी तुलसी के पत्ते थोड़ा सा गिरने लगते हैं और इनको आप कलेक्ट कीजिए और अपने कंपोस्टिंग में डालते रहिए और अपने तुलसी के प्लांट को अब आप धूप की तरफ रख दीजिए। और ये जो मंजरियाँ अब पक गई हैं, एक दो दिन बाद आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं और अगले फरवरी में आप इसको दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो ये है तुलसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि मैंने बोला था कि अब आप ये सदाबहार के सीड पॉट बने हैं, ये हरे हरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं, पेड़ पर ही ब्राउन हो जाएं थोड़े से, तब आप इनको कलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर अभी आप इसको कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये इनमें हरे हरे बीज होंगे, वो अच्छी तरह से बीज नहीं बन पाएंगे। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं तभी आप इनको यहाँ से तोड़िए। थोड़े दिनों में जब धूप लगेगी तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे और इसमें छोटे छोटे काले काले बीज निकलेंगे, उनको फिर आप फरवरी में ग्रो कर सकते हो। ये बहुत सारे बने हैं, जिस रंग का भी आपको वाइट चाहिए या ये इस तरह का चाहिए जामनी कलर का, या हाइब्रिड अगर आपके पास है तो उसमें से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड तो सर्दियों में अच्छा चलता है। और ये वाइट है, इसमें कुछ थोड़ा सा इससे ज़्यादा बन रहे हैं, थोड़ा सा है, ये मैंने एक थोड़ा सा कहीं और रख दिया है। तो इसमें भी ये इस तरह के आप देख सकते हैं, इस तरह की फलियां बनेंगी। जब ये ब्राउन कलर की हो जाएंगी तो आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिए और फिर फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। ये सदाबहार के बारे में और तुलसी के बारे में तो यही है कि इसको आप अब धूप में रखिए, धूप में ये अच्छी चलेगी। और इसकी मंजरी आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर मंजरी आप काट सकते हैं। और अगर आपका पेड़ बहुत सर्दियों में सूखने लगे तो ये ना सोचें कि ये इसको कुछ हो गया है, ये ठीक हो जाएगा फरवरी में, दोबारा से इसमें नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। तो इस तरह से पेड़ पौधों में थोड़ा बहुत परिवर्तन चलता रहता है, थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ता है उसके लिए। और अगर ये सामने, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा फूल निकले हैं, अभी थोड़ा धूप जब आएगी तो खिलेंगे। ये देखिए गुड़हल का पेड़ है, इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। जब गुड़हल में बहुत सारे फूल आने वाले होते हैं तो बहुत सारी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, तो ये स्वाभाविक है। ये पत्तियाँ या तो अपने आप गिर जाएंगी या अब इनको आप खुद हटा दें। अभी धूप आएगी, धूप नहीं आई है तो ये सब खिल जाएंगी। और इसमें भी चांदनी में भी काफ़ी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, वैसे तो अच्छा लग रहा है पीला हरा, पर ये अपने आप ही गिरा देते हैं, स्वाभाविक है। और गुड़हल में अब थोड़ी धूप लगेगी तो नए नए फूल आने वाले हैं। ये देखिए गोरी चोरी खिला हुआ है, सुंदर। और इसमें ऊपर तक ये काली काली चींटियाँ आई हुई हैं, तो ये तो आपस में प्रकृति का सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ इनका अपना हिसाब किताब है, तो ये स्वाभाविक नज़ारा। और मैंने अपने कैलेंडुला की सीडलिंग को अब थोड़ा धूप में रख दिया है। आप अपने सारे प्लांट्स को आप धूप की तरफ रख दीजिए, अगर आपके वहाँ धूप आती है, सुबह की धूप ज़्यादा अच्छी होती है। और ये देखिए एमरेंथस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं और दिवाली का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दिए जल रहे हैं। ये देखिए इस टाइम संध्या फूल भी खिला हुआ है, सुबह का टाइम है, ये शाम को सुबह ही खिलता है। और
गुलाब खिला हुआ है, अभी लाल गुलाब नहीं खिला है, सफ़ेद खूब ज़्यादा मात्रा में खिला है। देखिए ये गुलाबी है, अभी कभी ये सफ़ेद हो जाता है। ये मधुमालती की बेल नीचे से ऊपर आई हुई है, जब फूल आएंगे, अभी इसमें कलियां बनी हुई हैं, जब फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बोगनवेलिया बहुत ही सुंदर गुच्छों में आया हुआ है, कितना सुंदर गुलाबी रंग है इसका, जगह जगह ये देखिए शुरुआत हो रही है। अब ये जब पूरा खिल जाएगा तो एक इस तरफ भी है नीचे की तरफ। ये देखिए अमरंथस और बिल्कुल नया नया गुलाब। गुलदावदी ठीक चल रही है, और ये मैंने गुलाब की कटिंग की थी, इसमें से नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है गुलाबी गुलाबी। तो इस तरह से अब अक्टूबर के पूरे महीने में आप कटिंग कर सकते हैं गुलाब की, अगर आपने नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं। आप नए हैं तो हल्की प्रूनिंग कीजिए। और ये है गेंदा, गेंदा मैंने भरपूर मात्रा में लगाया है, ज़्यादा मात्रा में। और एक कुछ लोगों की ये शंका थी कि आपने गत्तों में जो प्लांट लगाने बताए हैं क्या वो सफल हो सकते हैं, तो ये है आपके पास। अब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आपको खुद दिखा देती हूँ। मैंने आपके साथ ही ये बीज उगाए थे और ये डब्बों में हैं, और इस बार अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में लगातार 3-4 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, फिर भी ये अच्छी तरह से चल रहे हैं, जो कि संभावना नहीं थी। और इतनी बारिश में भी ये मेरे ये जो गत्तों में मैंने पेड़ लगाए थे ये अच्छे चल रहे हैं, और ये प्लांट तो अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही छोटा डब्बा है घेवर का, तो इसमें ये चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखिए ये भी डब्बे में चल रहा है, इसमें सुंदर गेंदा खिला हुआ है। तो इस तरह से आप विंटर गार्डनिंग इस तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा इतनी बारिश आएगी जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आई है, तो इस तरह का चीज़ों में आप अगर आपके पास जगह है और स्पेस है तो आप इस तरह की गार्डनिंग भी कर सकते हैं। और इसमें भी सीड पॉट बन गए हैं, जब ब्राउन कलर के हो जाएँ तो आप इनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। सुंदर गेंदा खिला हुआ है, और अभी शुरुआत है विंटर सीजन की, अभी और आगे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। और ये सुंदर सा कोलियस, और फलों का नज़ारा भी लीजिए, और चिड़ियों की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, इसमें बहुत सारी चिड़िया अपना बसेरा किए हुए हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों में बहुत सारे जब हम लगाते हैं तो बहुत सारे पक्षी भी अपने आप ही आ जाते हैं, दिन में तितलियाँ भौरे सब आते रहते हैं। तो यही था आज का मेरा वीडियो, और कुछ लोगों की समस्याओं का शायद मैंने कुछ समाधान थोड़ा सा कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।